Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 9, that is the bond of love. And this chapter is taken from your class 9th NCERT Beehive book. Clear? So students, hurry up, open your books Beehive. Chapter number 9, the bond of love, page number 113. Clear? Page number 113. Before you read, can there be love and friendship between human beings and wild animals? क्या love और friendship हो सकती है human beings के बीच में और wild animals के बीच में? Let's read a fascinating account of an orphaned sloth bear that was rescued by the author. तो चलिए एक ऐसी ही fascinating story पढ़ते हैं, ठीक है, किसकी? एक अनाथ और आलसी बियर की, जिसे जो है ऑथर ने पकड़ा था, रेस्क्यू किया था, बचाया था. स्लोथ बियर्स इनहैबिट फॉर फॉरेस्टेड एरियाज. स्लोथ बियर्स जो होते हैं फॉरेस्टेड एरियाज में मिलते हैं, इंक्लूडिंग द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया एंड ग्रासलैंड्स एट लोअर एलिवेशंस, की जहां पर रेन बहुत ज्यादा होती है और जिनकी ऊंचाई कम होती है. स्लोथ बियर्स हैव वेरी शेगी हेयर एंड लॉन्ग मसल्स. स्लोथ बियर जो होते हैं उनके बहुत ही झबरीले से बाल होते हैं और लॉन्ग मसल्स. मसल्स होते हैं जैसे एक डॉग का आपने देखा होगा, आगे से मुंह जो होता है वो इतना बड़ा सा होता है, ऐसे उसको मसल बोला जाता है. ऐसे ही वो जो है उसका एक्सटेंडेड पार्ट होता है जो फेस का, उसे मसल बोलते हैं. यूजिंग देयर क्लॉज टू टेक दे कैन देन यूज देयर लिप्स टू फॉर्म अ ट्यूब. अब जो वो था वो अपने जो है क्लोज का यूज करके, यानी कि पंजों का यूज करके खड्डा खोदता था. दे कैन देन यूज देयर लिप्स टू फॉर्म अ ट्यूब. फिर वो जो है अपने जो लिप्स जो होते हैं, जो उनका बड़ा पार्ट होता है, उससे ऐसे ऐसे करके एक ट्यूब, यानी कि एक ट्यूब की फॉर्म में बना देता था जो कि ग्राउंड के अंदर तक जाती थी. क्लियर? और इन टू अ हार्ड टू रीच एरियाज लाइक डेड ट्रीज फॉर देयर फूड. और जैसे मान लो कोई ट्री, डेड ट्री पड़ा हुआ हो और उसके अंदर कोई फूड हो, तो वो उसमें भी जो है वहां से भी अपना फूड निकाल लेते हैं. देयर मेन फूड इज टर्माइट्स. और उनका मेन फूड क्या होता है? टर्माइट्स, यानी कि कीड़े मकोड़े. यू कैन हियर देम सक अप देयर फूड फ्रॉम सेवरल फीट अवे. अब आपने सुना ही होगा कि वो जो है कई दूर उनका जो है फूड पड़ा हो, वहां से भी उसको निकाल लेते हैं. Now start the chapter. I will begin with Bruno, my wife's pet sloth bear. I got him for her by accident. तो यहाँ पर author कह रहे हैं कि मैं जो है इस chapter को start करूँगा Bruno के साथ, ठीक है, Bruno से. My wife's pet, जो कि मेरी wife का जो है pet है और आलसी bear है, मैं उसे जो है अपनी wife के लिए by accident अचानक लेकर के आया. 2 years ago we were passing through the sugarcane fields near Mysore. 2 साल पहले हम जो है कहाँ से पास हो रहे थे, कहाँ से जा रहे थे? Sugarcane field के पास से जा रहे थे, जो कि मसूर के पास था. People were driving away the wild pigs from the fields by shooting at them. अब वहाँ के जो people जो थे were driving away. दूर मतलब दूर भगा रहे थे किसको? वाइल्ड पिग्स को, चूंकि जो जंगली पिग्स होते हैं अपने खेतों से दूर भगा रहे थे. कैसे भगा रहे थे? उनको शूट करके. क्लियर? सम वर शूट एंड सम एस्केप्ड. कई तो शूट हो गए, मर गए, और कई बच के निकल गए. वी थॉट दैट एवरीथिंग वॉज ओवर व्हेन सडनली अ ब्लैक स्लोथ बियर केम आउट पेंटिंग इन द होक्सन. हम सब ने सोचा कि अब सब जो है शांत हो गया है, सारी चीज जो है क्लियर हो गई है. बट क्या हुआ, उसी समय अचानक जो है उस गर्मी में जो है कहीं से जो है एक ब्लैक कलर का स्लोथ बियर निकल करके आया. नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लोथ बियर वांट ओनली, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर द पुअर बीस्ट वन ऑफ माई कंपेनियंस डिड नॉट फील दैट वे अबाउट इट एंड प्रॉम्प्टली शूट द बियर ऑन द स्पॉट. तो अब यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं कि मैं जो है बिल्कुल भी जो है उसको स्लोथ बियर को शूट नहीं करना चाहता था, बट दुर्भाग्यवश मेरे साथ के जो कंपेनियन थे, ठीक है, अब वो बेचारा जो है उस कंपेनियन के द्वारा जो है मेरे कंपेनियन को ऐसा फील नहीं हुआ जैसे मुझे, और उन्होंने उसे जो है शूट कर दिया.
As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body. तो वो कह रहे हैं कि जैसे ही वो शूट हुआ ना, हम देखकर कैसे सरप्राइज रह गए, ठीक है, कि एक ब्लैक फर तो है वो पीछे जाकर के गिरा जब हमने बॉडी को शूट किया. क्लियर लेफ्ट एंड प्रोस्ट्रेट बॉडी. देन वी सा इट वॉज अ बेबी बियर दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक व्हेन द सडन शूट हैड किल्ड हर. तो वो कह रहे जब हम गए तो हमने देखा कि वो तो एक छोटा सा बेबी बियर है जो एक मदर की बैक पे था. जैसे ही हमने शूट किया तो बच्चा जो है वो पीछे हो गया, होके गिर गया और वो मदर को जो है गोली लग गई और हम और उसकी मदर जो है वो मर गई. द लिटिल क्रिएचर रैन अराउंड इट्स प्रोस्ट्रेट पैरेंट मेकिंग अ पिटीफुल नॉइज. अब वो जो लिटिल क्रिएचर था, जो छोटा सा जो बच्चा था, ठीक है, अब वो जो है चक्कर लगा रहा था, ठीक है, और वो चक्कर लगाते लगाते रोने की आवाजें निकाल रहा था. आई रैन अप इट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर. अब यहाँ पर ऑथर कहते हैं भाग के गया उसे पकड़ने के लिए. एक स्कूटिक, स्कूटिक मीन्स होता रैन अवे, दूर भाग गया. एक स्कूटिक इन टू द शुगर केन फील्ड, और ये जो है शुगर केन फील्ड के अंदर भाग गया. फॉलोइंग इट विद माई कंपेनियंस आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट बाय द स्कर्फ ऑफ इट्स नेक व्हाइल इट स्नैप्ड एंड ट्राइड टू स्क्रैच मी विद इट्स लॉन्ग हुक्ड नेक्स. तो फिर यहाँ पर राइटर कह रहे कि मैं जो है अपने कंपेनियन जो मेरे साथी थे उन सबको साथ लेकर के गया. एट लास्ट मैंने ही जो है उसको पकड़ा. कैसे पकड़ा? उसकी नेक के वहां से पकड़ना, और फिर वो जो है बेबी बियर जो था वो ऐसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था अपने आप को, ठीक है, अपने किससे, अपने विद हिज लॉन्ग हुक्ड क्लोज, अपने लंबे और वो पंजों से जो उसे नोच भी रहा था. वी पुट इट इन वन ऑफ माई गनी बैग्स वी हैड ब्रॉट एंड व्हेन आई गोट बैक टू बेंगलोर आई ड्यूली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ. फिर वो कह रहे फिर हमने उसे उठा के एक गनी, जो गन का जो बैग था उसमें डाल लिया. फिर मैं इसे जो है कहाँ ले गया, बेंगलोर ले गया, और मैंने जो है अपनी वाइफ को इसे दिया, ठीक है, प्रेजेंट दिया, उपहार जिसे बोलते हैं. शी वॉज डिलाइटेड, वो बहुत ही ज्यादा खुश हुई. शी एट वंस पुट अ कलर्ड रिबन अराउंड हिज इट्स नेक एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कप वॉज अ बॉय शी क्रिस्टेंड इट ब्यूरो. फिर उसने उसी टाइम जो है उस ब्रूनो के गले में क्या डाल दिया, एक कलरफुल रिबन डाल दिया. फिर जब उसने देखा कि ये तो एक बेबी बॉय है, ठीक है, बियर बॉय है, तो उसने उसका नाम क्या रखा, ब्रूनो. ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बोटल. इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर एंड विद इन अ वेरी फ्यू डेज ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स. ब्रूनो ने जो है बिल्कुल क्या, अब जल्दी ही उसने बॉटल से दूध पीना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसने क्या करना, उसने खाना भी शुरू कर दिया, सारी चीजें खाना पीना स्टार्ट कर दिया था. क्लियर एंड एवरीथिंग इज द राइट वर्ड फॉर ही एट पॉरेज मेड फ्रॉम एनी इंग्रीडियंट्स वेजिटेबल्स फ्रूट्स नट्स मीट करी एंड राइस रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स एंड चीज ब्रेड्स एग्स चॉकलेट स्वीट्स पडिंग आइसक्रीम एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो ब्रूनो था उसने जो है राइस ब्रेड चिलीज एग्स चॉकलेट स्वीट्स सब कुछ खाना स्टार्ट कर दिया था. एज फॉर ड्रिंक मिल्क टी कॉफी लाइम जूस एरेटिक वाटर बटर मिल्क बियर बीयर बियर एल्कोहलिक लिक्वर इन फैक्ट एनीथिंग लिक्विड इट ऑल वेंट डाउन विद रिलिश. इवन सब कुछ उसने जो है खाना स्टार्ट कर दिया था, पीना स्टार्ट कर दिया था, चाहे वो टी हो, कॉफी हो, लाइम जूस हो, बटर मिल्क हो, क्लियर, और ये सब उसे जो है स्वादिष्ट भी लगती थी. द बियर बिकेम वेरी अटैच्ड टू आवर टू एल्सेटियन डॉग्स एंड टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टीनेज लिविंग इन आवर बंगलो. अब वो बियर जो है वो बहुत ही ज्यादा अटैच हो गया था किससे, हमारे दो अल्सेचियन डॉग से, ठीक है, और उन बच्चों से जो हमारे यहाँ टीनेंग्स यानी कि बंगलों के इधर रहते थे, किराए पर रहते थे. ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डेज एंड स्पेंट हिज टाइम इन प्लेइंग रनिंग इन टू द किचन एंड गोइंग टू स्लीप इन आवर बेड. जब वो छोटा था तो हम उसे कभी
फ्री भी छोड़ देते थे, तो वो उसका काम क्या होता था, वो खेलता रहता था, कभी किचन में जाता था, कभी दौड़ लगाता था, ठीक है, और कभी बेड पर जाके सो जाता था. वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम, आई पुट डाउन पॉइजन टू किल द रैट्स एंड माइस दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी. तो वो कह रहे कि एक बार जो एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ उसके साथ, क्या हुआ कि वो ऑथर कह रहा है मैंने जो पॉइजन डाला ये चूहों को और रैट्स को मारने के लिए, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, जो कि लाइब्रेरी में था और ब्रूनो ने जो है लाइब्रेरी में एंटर किया, एंटर द लाइब्रेरी एज ही ओपन डिड एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, जैसे वो अक्सर करता था, और उसने जो है पॉइजन को खा लिया. क्लियर. पैरालिसिस सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नो स्टैंड ऑन हिज फीट, और उसी टाइम जो है उसको वो पैरालिसिस हो गया पूरी बॉडी में, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था. बट ही ड्रैग हिमसेल्फ ऑन हिज टर्म्स टू माई वाइफ, बट वो जो है घुटनों के बल रिगड़ करके मेरी वाइफ के पास आया. हु कॉल्ड मी, आई गेस्ट व्हाट हैड हैपेंड, जिसने फिर उसने मुझे बुलाया, फिर वो कहता मैंने गेस कर लिया कि क्या हुआ होगा. ऑफ आई रश्ड इन द कार टू द वैक्स रेसिडेंस, फिर वो कहता है कि मैं जो अपनी कार को वैक्स रेसिडेंस के वहां पर भगा के लेकर के गया. आई केस ऑफ अ केस ऑफ पॉइजनिंग टेम बियर बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू, ये पॉइजनिंग का केस है, पालतू बियर है, बेरियम कार्बोनेट जो है उसने खा लिया, तो क्या करना चाहिए. आउट केम हिज मेडिकल बुक्स, अ फेवरिश रेफरेंस टू द इंडेक्स बिगेन, व्हाट पॉइजन डिड यू से सर, बेरियम कार्बोनेट. फिर उसने जो है फटाफट अपनी मेडिकल बुक्स निकाली, और मेडिकल बुक्स के जो वहाँ स्टार्टिंग में जो है रेफरेंस के तौर पर एक इंडेक्स दिया होता, तो उसने उसमें ढूंढा, फिर उसने पूछा कि कौन सा, भाई तुमने क्या कहा कि कौन सा पॉइजन खाया, उसने कहा कि बोरियम कार्बोनेट, कहता हाँ यस बेरियम सोल्ट, अ बेरियम कार्बोनेट, अच्छा बेरियम सोल्ट, बेरियम कार्बोनेट सिम्टम्स, पैरालिसिस ट्रीटमेंट इंजेक्शन ऑफ, जस्ट अ मिनट सर, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन. उसने देख लिया कि भाई क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या इसके ट्रीटमेंट के इंजेक्शन होते हैं. उसने कहा ठीक है वेट करो, मैं अभी अपना जो सिरिंज और मेडिसिन लेकर के आया. अ डैश बैक टू द कार, ब्रूनो स्टिल फ्लंडरिंग अबाउट ऑन हिज टर्म्स, बट क्लियरली वीकेंडली रिपीडली वेकनिंग रिपीडली सम वॉमिटिंग हैवी ब्रीथिंग विद हैवी फ्लैंक्स एंड गैपिंग माउथ. फिर उन्होंने जो है वो डैश बैक टू द कार, फिर वापस से बैक कार को बैक लेकर के गया. ब्रूनो अभी भी जो है वहां पर जो है ऐसे स्क्रगलिंग करके, मतलब बहुत मुश्किल से मूव कर रहा था, ठीक है, और वो जो है मोमेंट भी कर रहा था, उसको ब्रीथ भी बहुत मुश्किल से आ रही थी, क्लियर, और वो जो है उसका माउथ भी इतना बड़ा खुल रहा था. होल्ड हिम एवरीबडी इन गोज टू द हाइपोडर्मिक ब्रूनो स्क्वेल्स, 10 cc of the antidote enters the system without a probing wastage. तो उसने कहा कि चलो सब इसको पकड़ लो. फिर उन्होंने जो है हाइपोडर्मिक ब्रूनो स्क्वेल्स 10 cc की जो एंटीडोट थी वो उसकी बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू दी, और उसकी एक भी ड्रॉप वेस्ट नहीं होने दी. 10 मिनट्स लेटर कंडीशन अनचेंज, 10 मिनट के बाद भी उसकी कंडीशन वैसी की वैसी थी. अनदर 10 cc इंजेक्टेड 10 मिनट्स लेटर, फिर 10 मिनट के बाद जो है एक दूसरा सीसी इंजेक्शन जो है उसको दिया गया, इंजेक्ट किया गया. ब्रीथिंग लेस स्टर्टोरस, स्टर्टोरस ब्रीथिंग होता है नॉइसी ब्रीथिंग, अब वो ब्रीथ भी ले रहा था, उसकी ब्रीथ से भी आवाज आ रही थी. ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स अ लिटल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड इट, अब वो जो है अपनी आर्म्स को लेग्स को मूव कर पा रहा था बट अभी भी खड़ा नहीं हो पा रहा था. 30 मिनट्स लेटर ब्रूनो गेट्स अप एंड हैज अ ग्रेट फीड, 30 मिनट बाद ब्रूनो खड़ा हुआ और उसने जो है बहुत अच्छा खाना खाया. ही लुक्स एट अस डिसडेनफुली एज मच एज टू से व्हाट्स बेरियम कार्बोनेट टू अ बिग ब्लैक बियर लाइक मी, अब वो कहते हैं जब वो खाना खा रहा था हम लोगों को ऐसे देख रहा था, ऐसे लग रहा था वो हमें ये कह रहा हो कि भाई व्हाट्स बेरियम कार्बोनेट, कि बेरियम कार्बोनेट जो है मेरे बिग ब्लैक बियर का क्या कर सकता है. ब्रूनो इज स्टिल एटिंग, ब्रूनो अभी भी खा रहा था. Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil which I had drained from the sump of the stud baker and was keeping as a weapon against the inroads of termites. तो वो कह रहे कि एक दूसरी बार क्या हुआ, मैं जो है एक old engine oil लेकर के आया which I had drained from the
some of the stud baker and goes keeping as a weapon against the inroads termites. और वो कहता है मैंने जो है उसे अपने लिए रखा था कि भाई रोग्स के लिए जो है इन रोग्स ऑफ टर्मिट्स कभी जरूरत पड़े तो. ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लोड बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स व्हाटएवर. फिर वो जो है उसे भी सारा बहुत सारा पी गया बट उसका भी जो उस जो ऑयल जो मैं इंजन ऑयल लेकर के आया था उसका भी असर ब्रूनो पर नहीं पड़ा. तो स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो. रिमेनिंग चैप्टर वी विल स्टडी वी विल रीड इन आवर नेक्स्ट वीडियो. आई होप आप सबको ये चैप्टर इतना जो आज कराया है अच्छे से समझ में आ गया होगा. क्लियर? देन वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय, टेक केयर.